हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ देवलीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पटेटो ब्रेड चीज़ी पॉकेट। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और ये जो स्नैक्स रेसिपी है 5 मिनटों में बन जाता है। और आज का रेसिपी अगर आप लोगों को मेरा पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने इधर लिया है ग्रेटेड किया हुआ 1 मुट्ठी गाजर, एकदम फाइन चॉप किया हुआ 1 मुट्ठी स्वीट कॉर्न। आप कोई भी वेजिस ले सकते हो, बीन्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है। और ग्रेटेड किया हुआ हरा मिर्च और शिमला मिर्च, वो भी 1 मुट्ठी का करीब लिया है मैंने। और छोटा सा एक प्याज को ग्रेट कर लिया है, एकदम बारीक फाइन चॉप कर लिया है। और एक मीडियम साइज को आलू को भी अभी ग्रेट करना है, क्योंकि ग्रेट करके आलू को डालने से कोई भी दाना नहीं रहता है और पकौड़ों के लिए भी अच्छा होता है। स्वाद अनुसार नमक लेना है हमें। एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स लेना है, आपके पास कोई भी हो आप ले सकते हो। और लेना है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आप तीखा आपके हिसाब से डालिएगा। और इसमें मैंने डाला था आधा चम्मच अमचूर पाउडर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी सेकेंड पार्ट है, हमें मैदे का बैटर बनाना है। तो मैदे के बैटर के लिए मैंने इधर लिया है 3 चम्मच मैदा, इस चम्मच का 3 चम्मच मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो आप ले सकते हो। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको चलाते हुए मिलाना है। एक साथ ज़्यादा पानी डाल के नहीं चलाना है या मिक्स करना है, नहीं तो लम्प्स रह जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा हमें एक बैटर चाहिए। तो हमें बैटर को ऐसे रखना है। तो चलिए, सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैंने एक बड़ा सा बाउल में ब्रेड क्रम को लिया है और उसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा बड़ा जगह में रखने से क्या होता है, आप ऐसे ही आराम से मिक्स कर सकते हो, नहीं तो हाथों की मदद से करना पड़ता है अगर प्लेट में लेंगे तो। तो सब रेडी हो चुका है, तो चलिए अभी बाकी का भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मैंने इधर 4 छोटे साइज का ब्रेड लिया है, आप चाहे तो बड़ा साइज का भी ब्रेड ले सकते हो। और इधर है थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज़। चीज़ को हमें ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैलाना है, ऐसे फैलाना है कि चीज़ पूरे ब्रेड के ऊपर भर के ना डालिए आप, क्योंकि ज़्यादा भर के आप चीज़ डालेंगे तो फ्राई करने के टाइम चीज़ पकौड़ों से बाहर आ सकता है फट जाके। तो फिलहाल सेम प्रोसेस में पहले चारों ब्रेड के ऊपर मैं चीज़ डाल दूंगी। के ऊपर चीज़ को अच्छे से डाल दिया है मैंने और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके आलू लेना है और आलू को चीज़ के ऊपर डालना है। तो मैं पहले चारों ब्रेड के ऊपर ही आलू को थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना है तो आसान होता है और बहुत जल्दी भी ये स्नैक्स तैयार हो जाता है। तो सेम प्रोसेस में 4 ब्रेड के ऊपर पहले आलू को डाल दूंगी मैं और एक स्पैचुला के मदद से, और स्पैचुला पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, नहीं तो आलू स्पैचुला में भी चिपक सकता है। और स्पैचुला के मदद से आलू को अच्छे से स्प्रेड करते हुए पूरे ब्रेड में हमें फैलाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ बाहर ना आ जाए और चीज़ अच्छे से कवर हो जाए और उसके ऊपर आलू अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो इस प्रोसेस में हमें अच्छे से सारे चारों ब्रेड को अच्छे से हमें स्प्रेड, आलू को स्प्रेड करते हुए
पॉकेट्स वाला जो ब्रेड है हमें रेडी कर लेना है। और चीज़ बाहर रह जाएगा तो फ्राई करने के टाइम चीज़ फट के बाहर आ सकता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस प्रोसेस में आलू को स्प्रेड कर लिया है ब्रेड के ऊपर। सेम प्रोसेस में चारों ब्रेड को हमें पहले तैयार कर लेना है, यानी पॉकेट्स वाला ब्रेड तैयार कर लेना है। तो अच्छे से सारे ब्रेड तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। तो चाकू में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और अभी इसको बीच में से काट कर लूँगी। चाकू को आप ऐसे उठाएंगे तो चिपक जाएगा, तो ऐसे खींचने का कोशिश कीजिएगा। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आलू आपका चिपचिपा ना हो, यानी स्टिकी वाला आलू ना हो। स्टिकी वाला आलू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप देख सकते हो रेडी हो चुका है। सेम प्रोसेस में सारे ब्रेड को काट कर लूँगी। चाकू पे ऑयल लगा के काट करने के वजह से बहुत ही इजी हो जाता है ब्रेड पॉकेट्स को काट करना। तो आप लोग थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा चाकू। तो सारे पॉकेट्स हमारा रेडी हो चुका है, ब्रेड आलू पॉकेट्स आप देख सकते हो। तो अभी ब्रेड पॉकेट को हमें अच्छे से कोट करना है और जो मैदे का बैटर हमने बनाया था उसमें ब्रेड को पहले डिप करना है और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको निकाल के हमें ब्रेड क्रम्ब पे डालना है और ब्रेड क्रम्ब को अच्छे से कोट करना है हमें पॉकेट्स के ऊपर। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना, आपका हाथ गंदा होता है और बार बार ना हाथ धोना पड़ता है। तो आप देख ही सकते हो कि हाथ थोड़ा सा भी गंदा नहीं होता है और बहुत अच्छे से कोट भी हो जाता है ब्रेड क्रम्ब। और इसी प्रोसेस में सारे पॉकेट्स हमें पहले रेडी कर लेना है। सेम प्रोसेस में डिप करना है मैदे का बैटर पे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में हमें अच्छे से कोटिंग कर लेना है। तो चलिए फ़िलहाल इस प्रोसेस में मैं सारे पॉकेट्स रेडी कर लेती हूँ। तो सारे पॉकेट्स रेडी हो जाने के बाद फ्रिज में हमें रखना है 3 से 4 मिनट के लिए ब्रेड क्रम्ब को अच्छे से सेट होने के लिए। तो ऐसे ही सारे पॉकेट्स पहले फटाफट रेडी कर लेती हूँ। देख सकते हो सारे पॉकेट्स रेडी हो चुका है और अच्छे से सेट भी हो चुका है। सेट हो चुका है आप कैसे समझेंगे, जब हाथों में थोड़ा सा भी ब्रेड क्रम्ब नहीं आ रहा है और नहीं झर रहा है तब। तो पूरा सेट हो चुका है, अब इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो फिलहाल ऑयल गरम हो चुका है और अभी एक एक करके सारे पोटैटो ब्रेड चीज़ी पॉकेट्स को फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के टाइम हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बहुत हाई ना हो, मीडियम टू लो फ्लेम में रख के हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और स्पैचुला को बहुत ही मतलब धीरे से चलाना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कोना लग जाता है तो कट होके चीज़ बाहर आ जाएगा। जैसे मेरे एक दो चीज़ी पॉकेट्स से चीज़ बाहर आ चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस में मीडियम टू लो रख के गैस का फ्लेम सारे पॉकेट्स को हमें फ्राई करना है। तो फ्राई हो चुका है, अभी इसको उठा के एक प्लेट में टिश्यू के ऊपर रखना है क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है टिश्यू। और अभी बाकी का भी पॉकेट्स को फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा तो नहीं, मैंने सिर्फ 8 पॉकेट्स फ्राई किया था और बाकी का सब फ्रिज में रख दिया था। तो स्पैचुला का कोना थोड़ा देख के बहुत ही सावधानी से थोड़ा स्पैचुला को चलाना है, नहीं तो मतलब क्या बोलूँ, कट हो के चीज़ बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है तो ऑयल ख़राब हो जाता है। तो फ़िलहाल सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेती हूँ। तो रेडी हो चुका है 5 मिनटों में बनने वाला पोटैटो ब्रेड चीज़ी पॉकेट्स। यम्मी है और ग्रीन चटनी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ये देखिए क्रिस्पी हुआ है। तो अगर आप लोगों को आज का रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल को नए वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तो फिर मिलूंगी नए ब्लॉग, नए वीडियो, नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।